जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है एम टू सोलो ट्रैवल पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मैं। दोस्तों, अगर आप लोग वैष्णो देवी की यात्रा पे आ रहे हैं और रुकने के लिए आप सबसे चीपेस्ट से चीपेस्ट होटल अपना कटरा में देख रहे हैं, तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ श्राइन बोर्ड का त्रिकुटा भवन। यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री बेड्स मिल जाएंगे जिसका प्राइस रहेगा 150 से लेकर 200 के बीच में। इसमें आपका एसी और नॉन एसी दोनों तरह के डॉर्मेट्री बेड्स मिल जाएंगे। तो अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेंगी, रूम कैसे हैं, वॉशरूम कैसे हैं, अंदर मंदिर है, अंदर भोजनालय है, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो चलते आगे, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए त्रिकुटा भवन, इसमें आपको एसी रूम साथ ही साथ नॉन एसी रूम मिल जाएंगे। ये आप देख रहे हैं त्रिकुटा भवन का प्रवेश द्वार, और देखिए कितना सुंदर है। तो ये आप देख रहे हैं त्रिकुटा भवन के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अंदर आपको भोजनालय मिल जाएगा, साथ ही साथ अंदर आपको प्रसाद की दुकान है, क्लॉक रूम है जो कि फ्री सर्विस है, लिफ्ट है, ड्रिंकिंग वाटर है, और सेपरेट वॉशरूम है, जेंट्स के लिए अलग है, लेडीज़ के लिए अलग है। अंदर आपको ठंडा गर्म पानी हर तरह का मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलेगी कार पार्किंग फैसिलिटी जो कि बहुत मुश्किल होता मिलना। और ये आप देख रहे हैं अंदर जो भोजनालय है उसमें आपको क्या क्या खाने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ उनके प्राइजेस क्या हैं, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं यहाँ पे कार पार्किंग हो जाएगी आपकी, और कितना साफ़ सुथरा भवन है ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ये देखिए। और साथ ही यहाँ से आपको दर्शन होंगे त्रिकुटा पर्वत के, साथ ही साथ अर्धकुंवारी के, वो आप सामने देख रहे हैं वो है अर्धकुंवारी। त्रिकुटा भवन की बुकिंग जो है आप ऑनलाइन जाके श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर कर सकते हैं, साथ ही साथ कटरा में और भी जो श्राइन बोर्ड की अपना होटल्स हैं, भवन है, वहाँ के भी आप बुकिंग कर सकते हैं, भवन की कर सकते हैं, और अर्धकुंवारी पे रुकना चाहते हैं वहाँ की कर सकते हैं। तो सब जगह की बुकिंग जो आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर हो जाएगी। यहाँ का चेक इन टाइम है सुबह 10 बजे लेके, और अगले दिन 10 बजे आपका चेकआउट करना पड़ेगा। चलिए लेके चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ आपको। आप सामने देख रहे हैं अपना इंक्वायरी काउंटर, ये भोजनालय के यहाँ पे रेट्स लिख रखे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है सामने देखने को मिलेगा माँ लक्ष्मी का मंदिर, जहाँ पे आप बैठ के आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और नीचे से लेकर ऊपर तक आपको सब जगह मिलेंगे डॉर्मेट्री हॉल, और ये सामने आप देख रहे हैं ये है क्लॉक रूम, जहाँ पर आप अपना सामान रख के और फिर वैष्णो देवी की अपना जो है यात्रा पर जा सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ की लिफ्ट जिसकी टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्लैंकेट फैसिलिटी भी मिल जाएगी जिसको आप 500 रुपये सिक्योरिटी देकर ले सकते हैं, और जब आप वापस करेंगे तो आपको सिक्योरिटी वापस मिल जाएगी। ये आप देख रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर डॉर्मेट्री के प्राइस लिखे हैं, एसी के 200 और नॉन एसी के 150, और चेकआउट टाइम जो है वो अगले दिन 10 बजे का है। ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ये यहाँ की प्रसाद की दुकान, और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्राइजेस भी लिखे हैं, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको पंचमेवा का प्रसाद भी मिल जाएगा, मैं आपको प्राइजेस दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, सिंगल पाउच 25, 4 का 100, 12 का 300, और प्रसाद बॉक्स 500, साथ ही साथ पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आप देख रहे हैं जो त्रिकुटा भवन है अंदर प्रसाद की दुकान है, वहाँ पर आपको क्या क्या मिल सकता है, चुन्नी, श्रृंगार चोला, साड़ी और लेमिनेशन फ़ोटो, उसके अलावा लाइट फ़ोटो, माउंट फ़ोटो और एलईडी माउंट फ़ोटो, ये देख रहे हैं आप, और गोल्ड सिल्वर आपको कॉइन भी मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये ग्राउंड फ्लोर भी अवेलेबल है यहाँ पे भोजनालय श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, और ये सामने देख रहे हैं भोजनालय, और यहाँ से आप जो अपना कैश करवा के और अंदर आराम से खा पी सकते हैं। और ये बाहर देख रहे हैं बैठने का अच्छा खासा पे अरेंजमेंट है, अच्छा खासा बाहर बैठना चाहते हैं, साथ ही साथ अंदर बैठने के लिए भी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं अंदर से अंदर का सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी, यहाँ पे चेयर लगी हुई है, और ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं सामने काउंटर है, वहाँ से आप अपना लेकर और कहीं पर भी बैठ सकते हैं। और ये सामने पानी पीने के लिए कूलर लगा हुआ है, हाथ धोने के लिए ये लगा अपना वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पर आपको सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खाना पीना मिल जाएगा, जब भी आप खाना पीना चाहें, और उस समय क्या आइटम अवेलेबल रहेगी उस अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब आपको लेके चलता हूँ, यहाँ के रूम्स दिखाता हूँ, साथ ही साथ यहाँ के वॉशरूम दिखाता हूँ, चलते आगे दिखाता हूँ आपको। ये
ये आप देख रहे हैं कितना नीट एंड क्लीन है ये त्रिकुटा भवन, और बहुत ही साफ सुथरा है। ये बीच में माँ लक्ष्मी का मंदिर, और ऊपर 5 फ्लोर तक तो है। यहाँ पे सिर्फ डॉर्मेटरी बेड्स हैं, यहाँ पे रूम्स नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये आप देख रहे हैं वॉशरूम, जेंट्स का अलग है, लेडीज़ का अलग है, ये देखिए, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। यहाँ पर आप देख रहे अपना ब्रश व्रश कर सकते हैं। ये आपका वेस्टर्न टॉयलेट हो गया, तो यूरिन के लिए हो गया। ये 3 जो है आपके इंडियन टॉयलेट हो गए, और उसके अलावा यहाँ पर आपके नहाने के लिए हो गए। साथ ही ये देख रहे आप अंदर जो है वहाँ पे गीज़र भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको गर्म ठंडा पानी हर तरह का पानी मिल जाएगा। गीज़र लगा हुआ है, और ये देख रहे हैं आप डॉर्मेट्री रूम कैसे होते हैं। यहाँ पर डॉर्मेट्री बेड, 10 बेड होता है एक कमरे में, और सेपरेट सबके अपना अलग अलग बेड है। ये देखें 5 इधर 5 इधर, और इसमें एसी लगा हुआ। अभी एसी यहाँ पे चालू नहीं है, जून के बाद यहाँ पे एसी चालू हो जाएंगे। यहाँ पे एसी नॉन एसी आपको दोनों तरह के रूम मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सामान रखने के लिए ये अलमारी मिल जाएगी, जिसमें आप अपना ताला चाबी आप अपना लेकर आइएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लाइट लगे, पंखे लगे, ये देख रहे हैं, बाकी मिरर लगा है, स्विच बोर्ड है, वहाँ पे आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अगर आप 10 जने हैं तो पूरा आप ये कमरा ले सकते हैं, और 1500 रुपये में आराम से यहाँ पे रुक सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं पूरा त्रिकुटा भवन। देखिए सारे कमरे जो यहाँ पे सेम है, वॉशरूम सब सेम है हर फ्लोर पर। टोटल यहाँ पर जो है आपके 4 फ्लोर हैं, और देख रहे हैं बीच में आपको मिलेगा मंदिर, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं माँ भवानी के। और नीचे ही कैंटीन है, मैंने आपको दिखाई, नीचे कैंटीन अवेलेबल है, और इंक्वायरी काउंटर नीचे है, देखिए पूरा। तो मैंने आपको पूरा त्रिकुटा भवन दिखा दिया, यहाँ का मंदिर, यहाँ पे अंदर कैंटीन अवेलेबल है वो दिखाया है, साथ ही साथ यहाँ के रूम्स दिखाए, वॉशरूम दिखा दिया है। और कोई आपकी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं जल्दी आपसे नए ब्लॉग में। जय करा माँ वैष्णो देवी मैया का बोल साचे दरबार की, जय जय माता दी।